ओम शांति। 24/8/2022 यानी 24 अगस्त 2022 की प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है, क्योंकि यह अंतिम जन्म है, पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। बाबा कहते हैं बच्चों जब तक तुम्हें जीना है, जब तक तुम्हारा जीवन है, तो पवित्रता का व्रत तोड़ना नहीं है, हमेशा पवित्र रहना है। ऐसा नहीं कि आज पवित्र हो कल ये व्रत तोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है और तुम नई दुनिया में, पवित्र दुनिया में केवल पवित्र बनकर ही जा सकते हो, तो तुम्हें पवित्र रहना बहुत जरूरी है। प्रश्न है, बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? उत्तर है, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, सबूत देते हैं, उन पर बाप का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं वही माला में पिरोएंगे। बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हमारे श्रीमत पर चल के पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और फिर हमको सबूत देते हैं कि बाबा हमने ये काम किया, उन पर बाप का सबसे ज्यादा अधिकार रहता है, उन पर बाप का सबसे ज्यादा प्यार रहता है। और जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं वही माला में पिरोए जाएंगे, वही माला के मणके बनेंगे। प्रश्न है, भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? मतलब भविष्य में देव पद प्राप्त करने के लिए, देवी देवता बनने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? उत्तर है, जांच करो देवी गुरु धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। अपने को देखना है हम पावन कहां तक बने हैं, कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता है। बाबा कहते हैं तुमको अगर पवित्र दुनिया में जाना है, देवी देवता बनना है, तो तुम अपने आप को झांको कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा चीज है जो विघ्न डाल रहा है देवी देवता के बनने में, कौन सा गुण, कौन सी कला हमारे अंदर कम है। अपने को देखना है कि हम कितना पावन बन गए हैं, कितना भी पावन बनना है, ठीक है, देखना है कहीं कुछ रुकावट तो नहीं आ रही है। गीत है, छोड़ भीदे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भक्त भगवान को अर्थात बाप को बुलाते हैं, लेकिन क्यों बुलाते हैं? क्योंकि दुखी हैं। यह भी तुम समझते हो कि दुख के बाद सुख आना भी जरूर है, सुख था अभी नहीं है, फिर बुलाते हैं कि आकर सहज राजयोग सिखलाओ। सिखलाने वाला जरूर बाप चाहिए ना। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो कि पहले यहाँ सुख था लेकिन अभी सुख नहीं हो, सुख अब बिल्कुल नहीं है यहाँ, तो तुम बुलाते हो कि आकर पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अरे तो राजयोग सिखलाने वाला बाप तो चाहिए ना। बाप समझाते हैं, जैसे तुम आत्मा गर्भ में आकर शरीर लेती हो ऐसे मैं नहीं लेता हूँ, मुझे तो पतितों को पावन बनाना है, इसलिए मुझे बड़ा शरीर चाहिए, मुझे आना ही है पावन बनाने। माया रावण ने तुमको पतित बनाया है, इसलिए अब यह 5 विकार दान में दे दो तो ग्रहण छूट जाए। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जैसे गर्भ में आके शरीर धारण करते हो, वैसे मैं शरीर धारण नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा काम तो पतित को पावन बनाना है, मुझे बड़ा शरीर चाहिए, मुझे एक जान देना है ना, मुझे रावण के राज्य से राम राज्य बनाना है, जान देना है, इसलिए मुझे बड़ा शरीर चाहिए, इसलिए मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। माया रावण ने तुमको पतित बना दिया है, इसलिए तुम अपने जो 5 विकार हैं उसे तुम हमें दान में दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाएगा। पहला मुख्य है देह अभिमान। बाबा कहते हैं 5 विकार तुम दान में दे दो तो तुम्हारे ग्रहण तो छूट जाएंगे, लेकिन इन 5 विकारों में पहला है देह का अभिमान। जो अपने शरीर का अभिमान है उसको सबसे पहले बाबा को दान करो, अपने आप को आत्मा समझो। मैं इस देह में रहने वाली आत्माओं से बात करता हूँ, उन्हों को एक जान देता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी यह एक जान सुनाया था। बाबा कहते हैं सबसे पहले तुम अपने देह का अभिमान त्यागो, क्योंकि मैं शरीर को एक जान नहीं देता हूँ, मैं आत्मा को एक जान देता हूँ जो इस शरीर में रहती है। तो अगर अपने आप को शरीर समझोगे तो फिर एक जान तुमको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि परमपिता परमात्मा शरीर को एक जान देते ही नहीं, आत्मा को एक जान देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही आत्मा को एक जान दे के गए थे। इसीलिए बाबा कहते हैं जो तुम्हारे विकार हैं उसमें सबसे पहले अपने शरीर का जो अभिमान है उसे त्यागो। राजयोग सिखलाया था 5000 वर्ष पहले भी,
कल्प कल्प सिखलाता हूँ, आने से ही हमारा पतितों को पावन बनाने का धंधा ठहरा। बाबा कहते हैं हम आते ही इसीलिए हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। बाप का पार्ट है आकर बच्चों को पावन बनाना। तुम जानते हो हम सो देवता पावन थे, फिर पावन बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। भविष्य में तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रिंस प्रिंसेज बनने वाले हो, यह नॉलेज है ही भविष्य प्रिंस प्रिंसेज की। तो जब दैवी गुण धारण करेंगे तब प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे। बाबा कहते हैं राजकुमार राजकुमारी तब बनोगे जब पवित्रता धारण करोगे, देवी देवताओं का गुण धारण करोगे। अपने को देखना है, मैं धारण करता हूं, क्या क्या विघ्न आते हैं, युक्तियों से उन विघ्नों को उड़ाना है। बाबा कहते हैं तुमको अपने अंदर देखना है कि मुझे पवित्रता धारण करने में, विकार को दान करने में क्या कमी आ रही, क्या विघ्न आ रहे हैं, तुमको युक्ति लगा के उन विघ्नों को हटाना है। बाप की याद से ही कर्मातीत अवस्था को पाना है। कांटा जो आवे उनको हटाते हटाते आगे बढ़ते जाना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना रास्ता साफ होता जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, विकार में कभी नहीं जाना है। मूल बात है विकार की, मुख्य बात है विकार की, विकार में जाना बंद करना है। भल कितने भी विघ्न आए परंतु पवित्र जरूर बनना है। जास्ती विघ्न स्त्रियों पर आते हैं, वह चाहती हैं हम पवित्र रहें, कृष्णपुरी में जाने चाहती हैं। श्री कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाती हैं, पूजा करती हैं, व्रत आदि रखती हैं। वह तो सिर्फ 7 दिन का व्रत नेम। बाप कहते हैं अभी तुम यह व्रत रखो कि विकार में कभी नहीं आएंगे, जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत रखना है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जयंती पर तुम लोग श्री कृष्ण को झूला झुलाते हो, पूजा करते हो, व्रत रखते हो, लेकिन ये व्रत तो सिर्फ 7 दिन का है। ये कहते हैं बाबा तुम्हें 7 दिन का व्रत नहीं रखना है, तुम्हें ऐसा व्रत रखना है, आजीवन व्रत रखना है कि हम हमेशा पवित्र रहेंगे। तुम जानते हो इस दुनिया में अब यह हमारा अंतिम जन्म है, न सिर्फ हमारा बल्कि सारी दुनिया का अंतिम जन्म है। तुम तो समझते हो कि अब हम पवित्र बन दुनिया में जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो अब समझ रहे हो कि हमारा अंतिम जन्म है, मतलब हमारा अंतिम जन्म है, पूरे दुनिया का अंतिम जन्म है। तुम ये भी समझते हो कि अब हमें पवित्र बन के पवित्र दुनिया में जाना है, दूसरा जन्म हमारा पवित्र दुनिया में होगा। वह हठ योगी सन्यासी कोई इस विचार से पवित्र नहीं बनते हैं कि यह हमारा अंतिम जन्म है, यहाँ तो मेहनत है, साथ में रहते हुए भी कभी विकार में नहीं जाना है। बाबा कहते हैं जो सन्यासी हैं तो ये सोच के पवित्र नहीं बनेंगे कि हमारा ये अंतिम जन्म है, मतलब तुम ये सोच लिए कि हमारा अंतिम जन्म है, इससे पवित्र नहीं बनोगे, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में रहते हुए भी कभी विकार में नहीं जाना है, दोनों को व्रत लेना है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, वही पुकारती हैं, पुरुष कभी पुकारते नहीं हैं कि प्रभु लाज रखना, नगन होने से बचाओ। यह माताओं की पुकार है, माताएं बाप को पुकारती हैं, हे बाबा मुझे नग्न होने से बचाओ। यह वही गीता भागवत वाली बातें हैं, सिर्फ नाम भूल से श्री कृष्ण का लगा दिया है। श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, श्री कृष्ण तो पतित को पावन बनाने वाले हैं नहीं, पतित पावन तो एक ही बाप है। तुम समझते हो कि पवित्र बनने के लिए मारे भी खानी पड़ती है, कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, अब फिर से हो रहा है। एक द्रौपदी नहीं, तुम कितनी द्रौपदियां हो। अनेक पतितों को पावन बनाना है, तुम माताएं निमित्त बनी हो, पवित्र बनकर पवित्र बनाने। बाबा कहते हैं तुम माताएं निमित्त बनी हो कि तुमको पवित्र भी बनना है, पवित्र बनाना भी है। तुमको तो और ही जास्ती पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपनी हम जिन्स को उठाना है। सन्यासियों का है निवृत्त मार्ग, यह है प्रवृत्ति मार्ग। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना है, पढ़ना और पढ़ाना है जिससे ऊंच पद प्राप्त हो जाए। पढ़ाई है बहुत सहज, समझाना है भारत तो हीरे जैसा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर इतना गिरा क्यों है। हम इसको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता में, फिर स्वर्ग कैसे होगा मनुष्यों के तो ख्याल में भी नहीं है। यह किसको पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य
बाबा कहते हैं तुमको समझाना है कि तुम ही पहले देवी देवता थे, लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर तुम पुजारी बन गए हो। पहले स्वर्ग था, अब नरक बन गया है। यह किसको पता नहीं कि जो पूज्य थे वही पुजारी तमो प्रधान बने हैं। पूज्य थे जरूर पुनर्जन्म लिया होगा। बाप बैठ समझाते हैं सतयुग में जो आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बने, अब ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर देवता वंशी बनेंगे। जैसे इनको बाप ने अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाया है, कोई पूछे तुम कैसे बने, बोलो ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा ने हमको अपना बनाया है। बाबा कहते हैं कि अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम बाप के कैसे बने, परमपिता परमात्मा के कैसे बने, तो तुम उसको बताओ कि ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा ने हमको अपना बनाया है। बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। अभी हम प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता की। बाप को याद करने से ही हम पावन बनते हैं। बाप कृपा करेंगे, बाप तो की है कृपा ना। परम धाम से पतित दुनिया में पतित शरीर में आए हैं। बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारा ये प्रश्न है कि बाप कृपा करेंगे, तो बाप तो कृपा कर रहे हैं। वो परम धाम छोड़ के पतित दुनिया में आए हैं, पतित शरीर में आए हैं। नहीं, उनको क्या क्या दिक्कत थी, परम धाम से पतित दुनिया में क्यों आते, लेकिन वो कृपा करने के लिए आए हैं। बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ, जो सिखलाता हूँ वह सीखो, मुझे याद करो तो तुम्हें ताकत मिलेगी, विकर्म विनाश होंगे। इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं तुम हमसे आशीर्वाद ना लो, तुमको हमसे आशीर्वाद लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम हमको याद करो तो तुम्हारे विकर्म बुरे कर्म विनाश हो जाएंगे। टीचर को कहेंगे क्या कि आप कृपा करो तो हम सौ मार्क से पास हो जाएंगे। यह भी बेहद का टीचर है, पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर स्कूल के मास्टर से तुम थोड़ी ना कहोगे कि मास्टर साहब आप कृपा कर दीजिए तो हम 100 मार्क 100 नंबर पा के पास हो जाएंगे। अरे तुम पढ़ोगे ना, बस वैसे ही बाबा से तुमको आशीर्वाद नहीं लेना है कि बाबा हमको आशीर्वाद दे दो, क्योंकि बाबा तो टीचर है। तुम पढ़ाई करो तो बाबा खुद ही नंबर देगा, तुम्हारे बुरे कर्म विनाश होंगे। यह भी बेहद का टीचर है, पढ़ाते हैं। कोई को नॉलेज धारण नहीं होती है तो क्या करेंगे, टीचर सब पर कृपा करें तो सब पास हो जाएं, फिर तो राजधानी कैसे बनेगी। बाबा कहते हैं अगर जब टीचर सबके ऊपर कृपा कर देंगे, सब पास हो जाएंगे, तो सतयुग की स्थापना कैसे हो जाएगी। जितने तो कलयुग में लोग हैं उतने तो सतयुग में फिर चले जाएंगे कृपा कर देंगे तो बाबा कृपा नहीं करेंगे। तुम उनको याद करो तो तुम्हारे बुरे कर्म विनाश होंगे, तुम पवित्र बनोगे। तुम बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है, फॉलो करो माँ बाप को, बाप को याद करो, और कोई उपाय है नहीं। नहीं तो बाप को पुकारते क्यों हो। बाबा कहते हैं बाप को याद करो और तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। अगर याद नहीं कर रहे हो तो फिर बाप को पुकारते क्यों हो। साधु संत आदि सब कहते हैं हमको दुखों से आकर छुड़ाओ, भारी संकट आने हैं, जब विनाश शुरू हो जाएगा फिर समझेंगे जरूर कहीं भगवान गुप्त भेष में है। श्री कृष्ण अगर होता तो सारी दुनिया में ढिंढोरा पिट जाता, श्री कृष्ण तो आ ना सके। बाबा कहते हैं जब अच्छा विनाश शुरू हो जाएगा तो सब समझेंगे कि भगवान कहीं ना कहीं गुप्त भेष में है। लेकिन अगर श्री कृष्ण आया होता, श्री कृष्ण भगवान होते, तो श्री कृष्ण आते तो दुनिया में तो ढिंढोरा पिट जाता, सभी को पता चल जाता कि श्री कृष्ण आए हैं। लेकिन श्री कृष्ण तो आए नहीं है, परम पिता परमात्मा आया है। यहाँ तो बाप को आना पड़ता है ना, क्योंकि बाप ही पतित से पावन बना सकता है। अंत तक बाप को एक ज्ञान सुनाना है, आते ही गुप्त रूप में है, श्री कृष्ण तो हो ना सके। निराकार बाप सभी का एक ही है, वह आए हैं पतितों को पावन बनाकर वर्षा देने। तुम्हारा भी फर्ज है सबको बतलाना, पूछना है परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, बाप को कितने ढेर बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा का डायरेक्शन है कि एक तो मुझे याद करो और अच्छी रीति पढ़ो। बाबा को अच्छी रीति याद कर ऊंच वर्षा पाना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको समझाते रहते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यानी इतिहास भूगोल की बात कर रहे हैं कि इतिहास भूगोल तुमको बेहद की समझा रहे हैं बाबा। पूरे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको समझा रहे हैं। चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो। भारत सतयुग में सिरताज था, सूर्यवंशी देवी देवताएं राज्य करते थे,
फिर चंद्रवंशी राज्य हुआ, कला गिरती गई, यह भी तो देखना पड़े ना। पढ़ेंगे अच्छी रीति तो सीखेंगे भी, पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे, फैल हो जाएंगे। सावधानी कौन दे, आजकल माया असावधान करने वाली बहुत है, यहाँ झूठ छिप नहीं सकता। कोई विकर्म करेंगे तो वह जमा होता जाएगा, पाप अथवा पुण्य जमा तो जरूर होता है, उस अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है। बाबा कहते हैं तुम पाप करो चाहे पुण्य, वो जमा तो होता ही है और तुम्हारे पाप पुण्य के अनुसार ही दूसरा जन्म मिलेगा। कोई भी पाप करेंगे तो जन्म भी ऐसे ही मिलेगा, इसलिए बाप कहते हैं कोई पाप करते हो तो झट हमें बतलाओ, ऐसे नहीं कि ईश्वर तो सब जानते हैं, बाप को बतलाना पड़े। बाबा कहते हैं अगर तुमसे कोई गलती से पाप हो भी गया तो तुम झट से हमें बतलाओ। परमपिता परमात्मा कहते हैं कोई पाप अगर कर ही देते हो तो हमें तुरंत बताओ, ऐसे ना सोच लो कि ईश्वर तो सब जानते हैं, ईश्वर को क्या बताएं, नहीं ईश्वर को बताओ। इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वह आत्मा जानती है, सब कुछ याद रहता है कि हमने क्या क्या काम किए हैं। बाप दादा को बतलाओ कि हमने क्या क्या किया। मुख्य बात है विकार की, चोरी करना ठगी करना वह तो छोटी मोटी बातें हैं। बाबा कहते हैं चोरी करना ठगी करना ये तो छोटा मोटा पाप है, सबसे बड़ी बात है विकार की। जो पांच विकार हैं शरीर के अंदर वो सबसे बड़ा घाटा डालते हैं। मुख्य है विकार की बात, काम महाशत्रु है। विकार में जाने वाले को ही पतित कहा जाता है, इन विकारों पर पहले जीत पानी है। तुम्हारा दुश्मन ही रावण है जो पतित बनाते हैं। अब पावन बनने के लिए बाप को याद करो, बाप का बनकर और फिर विकार से गिरे तो चोट बहुत लगेगी। बाबा कहते हैं अगर तुम हमारा बन के, परमपिता परमात्मा का बन के और फिर विकार तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे, विकार में तुम्हारे ऊपर विकार तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए तो फिर तुम्हें बहुत चोट लगेगी। जो बाप का नहीं बने हैं उनके ऊपर विकार है तो उनको चोट कम लगेगी, लेकिन तुम बाप का बन के अगर तुम्हारे ऊपर विकार आता है तो तुम्हें बहुत चोट लगेगी। पहले तो देह अभिमान छोड़ना है, फिर काम महाशत्रु है, सारी युद्ध है इस पर। तो यह सब बातें समझकर फिर औरों को भी समझानी है। बाबा पूछेंगे तुमने कितनों को सच्ची गीता व सत्यनारायण की कथा अमर कथा सुनाई, पाप आत्माएं तो ढेर की ढेर हैं, तो यह भी पोता मेल बताओ, तब समझे तुम ब्राह्मण बने हो। बाबा कहते हैं कि मैं पूछूंगा तुमसे कि तुम कितने बच्चों को सच्ची गीता व सत्यनारायण की कथा सुनाए हो, तो तुम आत्माओं को फिर सबूत देना पड़ेगा कितनों को मैं सुनाया हूं, तब बाबा समझेंगे कि हमारे बच्चे ब्राह्मण बन गए हैं। कितने को आसपास बनाया है, यह है सहज राजयोग की बातें। बाप का परिचय देना है, दुनिया में यह तो कोई जानते नहीं है। बाप के पास बहुतों के सर्टिफिकेट भी आते हैं, लिखते हैं फलाने ने ऐसा समझाया, वही गुरु निमित्त बना स्वर्ग का मालिक बनाने। बी के सबूत देते हैं, ब्रह्मा कुमारी कुमार सबूत देते हैं, परंतु जो बनते हैं वह किसको समझाते हैं, किसको ले आते हैं, ले तो आना है ना। जिनको निश्चय होगा फट से कहेंगे पहले बाप की गोद तो ले ले बे। क्रिश्चियन में जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चनाइज कराते हैं, हम भी तो ईश्वर की गोद का बच्चा बने, सतगुरु की गोद तो लें। गोद ली बाप से मिले तो यह हमारा वर्षा हो गया। ऐसे मस्त कोई मुश्किल निकलते हैं, समझाना तो है ना। आगे चल अच्छी रीति समझेंगे, तुम्हारे में यह ताकत भरेगी, फिर बाप से मिलने बिगर ठहर नहीं सकेंगे, एकदम भागेंगे। यह माँ बाप भी हैं, टीचर भी हैं, फिर गुरु भी हैं। माँ बाप की गोद तो ले लो, गुरु के पास जाते हैं परंतु वह तो कोई स्वर्ग की बादशाही देते नहीं है, बादशाही बाप से ही मिलती है, बाप ही टीचर गुरु भी है, बाप ही टीचर गुरु भी है, तो क्यों नहीं तीनों से बरसा ले बे। बाबा कहते हैं तुम जिस गुरु के पास जाते हो वो तो स्वर्ग की बादशाही देते नहीं है, स्वर्ग की बादशाही तो केवल बाप यानी परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं, बाप ही गुरु और टीचर हैं, तो क्यों नहीं उनसे बरसा ले ले बे। यह बंडर है ना, यह आश्चर्य है ना। श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे वह बाप टीचर गुरु था, वह तो छोटा प्रिंस था। यहाँ तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह बाप भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है, इनका कोई बाप शिक्षक गुरु नहीं है।
श्री कृष्ण के तो माँ बाप थे ना। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे तो जानते हो कि परमपिता परमात्मा शिक्षक भी है, गुरु भी है, बाप भी है, लेकिन श्री कृष्ण के तो गुरु भी थे, शिक्षक भी थे, इनके तो सब कुछ थे, लेकिन परमपिता परमात्मा तो ये स्वयं ही है शिक्षक और गुरु। श्री कृष्ण के तो माता पिता भी थे, लेकिन परमपिता परमात्मा के तो कोई गुरु नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, कोई शिक्षक नहीं है। पतित पावन है एक बाप, जिसको माँ बाप है वह पतित पावन हो ना सके, उनको भगवान नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं जो पतित से पावन बनाता है वो केवल एक परमपिता परमात्मा है, जिसको माँ बाप है, जो माँ बाप से पैदा हुआ है उसको पतित पावन नहीं कह सकते, उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान का कोई माँ बाप है ही नहीं, गॉड फादर का कोई फादर हो ही नहीं सकता। गॉड फादर को ही पतित पावन लिबरेटर कहा जाता है। बाबा कहते हैं जो गॉड फादर यानी सबसे ऊंचा भगवान परमपिता परमात्मा ज्योतिबिंद स्वरूप, उसको ही पतित पावन यानी मुक्तिदाता कहा जाता है। उन्हें लिबरेट करने वाला कोई नहीं है, मतलब परमपिता परमात्मा को मुक्ति देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वही सबको मुक्ति देते हैं। यह बाप का ही काम है। मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वह बाप ही रचयिता है। ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है, वह हम सबका बाप है। श्री कृष्ण को सभी का बाप थोड़े ही कहेंगे, हम एक निराकार बाप के बच्चे हैं, वही नई दुनिया का रचयिता है। नई दुनिया को सुखधाम कहा जाता है, फिर नई दुनिया से पुरानी दुनिया बनती है। रावण राज्य है ना, रावण को जलाते भी हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। त्योहार जो भी मनाते हैं उसका अर्थ बिल्कुल नहीं समझते हैं। बाप समझाते हैं तुम्हारा यह बहुत जन्मों के अंत का अंतिम जन्म है। बाबा कहते हैं तुम्हारा यह 84 के चक्र का अंतिम जन्म है। रावण का भी अंत होने वाला है, फिर रावण सतयुग में थोड़ी ना आएगा। यह दुश्मन किस प्रकार का है जिसको जलाते ही रहते हैं। बाबा कहते हैं रावण तुम्हारा कैसा दुश्मन है कि हर साल जलाते हो, हर साल जिंदा हो जाता है। इनका जन्म कब हुआ किसी को पता ही नहीं। शिव जयंती मनाते हैं तो रावण जयंती भी मनाए ना। बाबा कहते हैं कि रावण का जन्म कब हुआ किसी को पता नहीं है। शिव जयंती तो मनाते हो, शिवरात्रि तो मनाते हो, तो रावण की जयंती क्यों नहीं मनाते हो? क्योंकि रावण का कभी जन्म होता ही नहीं है। रावण विकार में आ जाता है शरीर के अंदर। तुमको समझाया जाता है, यह है डिटेल की बातें, यह भी बुद्धि में धारण करनी पड़े। क्लास में ही नहीं आएंगे तो क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे? बच्चा वही अच्छा जो पढ़कर पढ़ाए, सबूत दे। बच्चे तो सब हैं, समझना चाहिए। हम बहुत सर्विस करेंगे, बहुतों को आप समान बनाएंगे तो बाबा का अच्छा प्यार रहेगा। बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे तो सभी हैं, लेकिन सर्विस जितना करोगे उतना आगे बढ़ोगे, जितना दूसरों को एक जान दोगे उतना बाबा का प्यार तुम्हें अच्छा मिलेगा। बाप तो पुचकार देते रहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। तोता भी एक पढ़ने वाला होता है जिसे कंठी होती है। यहाँ भी ऐसे हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही कंठी माला में पिरोएंगे। बाबा कहते हैं तोता भी जिसके कंठ होता है वही तोता पढ़ने वाला होता है। तो जो यहाँ पढ़ेंगे वही कंठी माला में पिरोए जाएंगे। पढ़ते ही नहीं तो जैसे जंगली हैं। बाबा कहते हैं जो तोता नहीं पढ़ते हैं उनको जंगली कहा जाता है, उनके कंठी नहीं होती है। ऐसे तुम बच्चे भी अगर नहीं पढ़ोगे तो तुमको भी तो जंगलीन कहा जाएगा, वह विजय माला में आ ना सके। तुम बच्चों को तो अच्छी रीति से पढ़ना और पढ़ाना है। यह है सच्ची कथा जो सच्चा बाप ही सुनाते हैं, सचखंड की स्थापना करते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य में झूठ कभी बोलते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। दूसरा है कृपा मांगने के बजाय मात पिता को फॉलो करना है, पढ़ाई ध्यान से पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता पूर्वक सफलता मूर्त भव। कर्म में योग और योग में कर्म
ऐसा कर्मयोगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती है। बाबा कहते हैं अगर तुम कर्म और योग, कर्म से मतलब है जैसे तुम योग यानी बाबा को याद कर रहे हो और कर्म यानी दूसरे को भी एक जान दे रहे हो, तो जो एक जान लेता है तो बाबा तो तुमको धन्यवाद देते ही हैं, लेकिन जो तुम जो एक जान लेता है, जान समझ जाता है, वो उससे भी तुमको दुआएं मिलती है। सब उसे अच्छा मानते हैं, यह अच्छा मानना ही दुआएं हैं। तो जहां दुआएं हैं वहां सहयोग है, और यह दुआएं व सहयोग ही सफलता मूर्त बना देती हैं। स्लोगन है सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। बाबा स्लोगन में कहते हैं तुम बच्चे सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहो, तुम्हारी मेन सच्ची मुख्य सेवा यही है। ठीक है, ओम शांति।